So again, a very good morning, students. Question number 3 of sample paper, class 10, 2022, term 2 exam. Okay. Trace the path a male gamete takes to fertilize female gamete after being released from the penis. Okay. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. ट्रेस द पाथ, आपको पाथ ट्रेस करनी है दैट मेल गैमेट टेक्स टू फर्टिलाइज फीमेल. देखो, फर्टिलाइज करवाना, हमें फीमेल गैमेट को क्या करवाना है, फर्टिलाइज करवाना है आफ्टर रिलीज फ्रॉम द पेनिस. तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, आप जानते हैं ना ओवरी का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा 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 ऐसा, हम थोड़ा सा रफ बना रही हूं मैं, सॉरी फॉर दैट, है ना, कुछ ऐसा होता है. ये ओपनिंग होती है, करेक्ट. ये जो बेटा ओपनिंग होती है ना, उसको यहाँ पे ये बिल्कुल हमारा, तो दैट इज कहाँ से एंटर करता है, दैट एंटर्स फ्रॉम द सर्विक्स, सर्विक्स से एंटर करता है वो. ओके, अब यहाँ पे देखिए ये वेजाइना, दिस इज अवर वेजाइना पार्ट. अब ओपनिंग मतलब अगर आप सर्विक्स, चलिए छोड़िए सर्विक्स, छोड़िए जाने दीजिए, वेजाइना में एंटर करता है. ओके, वेजाइना कैसा पार्ट है बॉडी का, फीमेल बॉडी का, ये हाईली एसिडिक मीडियम है. ठीक है, ये हाईली एसिडिक मीडियम है जहां पे स्पर्म्स आके डाई हो जाते हैं. तो इसीलिए आपको याद होगा कि मेल में एक ग्लैंड होती है, मेल में जो होती है वो सीमन जो होता है वो हाईली अल्कलाइन होता है. अल्कलाइन, हाईली अल्कलाइन होने से यहाँ पे वो मरते नहीं है, क्योंकि ये पार्ट हाईली एसिडिक होता है. ठीक है, तो ये वेजाइना से यहाँ पे एंटर किया स्पर्म ने, ये आ गया आपका यूट्रस, सॉरी फीमेल का यूट्रस. ओके, अब ये स्पर्म यहाँ पे जाएंगे, यूट्रस में जाएंगे. अब यूट्रस में जाके, अब देखिए यहाँ से, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे एग्स होते हैं, ये एग्स होते हैं. ओके, अब क्या होता है ना, ये एग यहाँ पे आया और यहाँ पे आके रुक जाता है, आएगा बाद में भी आएगा, लेकिन फिलहाल फर्टिलाइजेशन यही होगा. दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस ट्यूब कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड आपकी फैलोपियन ट्यूब. तो ये स्पर्म को इतना 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 ट्रेवल करके यहाँ तक फेलोपियन ट्यूब में पहुंचना है, एंड देन ओनली इट कैन बी फर्टिलाइज्ड. ठीक है, तो इसका मतलब हमने पाथ क्या बोला, हमने बोला भैया वेजाइना, वेजाइना से गया वो यूट्रस में, यूट्रस के बाद कहाँ गया, फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में क्या हो गया, वो फर्टिलाइज हो गया. ओके, आप सोचे कि दिस इज द पाथ अगेंस्ट द ग्रेविटी, है ना. तो आप सोचे स्पर्म को इतना ट्रेवल करके यहां तक पहुंचना, इट नीड्स अ हाई एनर्जी एंड फ्रिक्शनलेस सरफेस, दैट्स वाई वी हैव अ कूपर ग्लैंड. मेल में कौन सी ग्लैंड होती है, कूपर ग्लैंड होती है. कॉपर ग्लैंड, कूपर ग्लैंड क्या काम करती है, उसको फ्रिक्शनलेस एक ल्यूब्रिकेंट प्रोवाइड करती है ताकि वो इजीली यहां तक पहुंच सके. एंड देयर इज लॉट्स मोर कंसेप्ट, सो जस्ट ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया. याद रखिए सर्विक्स होता है, सर्विक्स से पहले वेजाइना, सर्विक्स पे लिख ही लीजिए, मतलब ये स्मॉल ओपनिंग होती है, सर्विक्स से वेजाइना, वेजाइना से यूट्रस, यूट्रस से फेलोपियन, एंड देन फर्टिलाइज. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. अब बी पार्ट देखते हैं. स्टेट नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन जायकोड. देखिए बेटा जायकोड क्या होता है, एक सिंगल सिंगल सेल होता है. कैसे, ये हम, ये हो गई फीमेल, ये हो गई हमारी फीमेल, दिस इज फीमेल. फीमेल के पास कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, फीमेल के पास होंगे 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. ओके, ये हो गए हमारे मेल, मेल में कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, मेल में भी होंगे 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, देखिए ये यहां पे, अब देखिए मेल एंड फीमेल 23 प्लस 23 कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम बनने चाहिए हमारे पास, वेरी गुड. देखिए यहां पे देखिए ये बनेगा आपका जायकोड, जायकोड, जायकोड इज अ सिंगल सेल. क्या होता है जायकोड, क्या होता है सिंगल सेल, सिंगल सेल मतलब एक ही सेल होता है. आपको याद है ये सिंगल सेल ही फिर फर्दर डिवाइड हो के देन बाद में हमारे पास जायकोड जो बनेगा वो पीबी बनेगा. ओके, तब ये जायकोड में दिस प्लस दिस, मेल एंड मम्मी एंड पापा दोनों के क्रोमोसोम्स आएंगे, तो टोटल कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, 46 सेट्स ऑफ क्रोमोस, 46 क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमो जोम्स. मतलब क्या हम कह सकते हैं, टू सेट्स, वन एंड टू, वन सेट, वन सेट, दिस इज 23 सेट का वन सेट होता है, दिस इज कॉल्ड वन सेट,
एंड दिस इज कॉल्ड वन सेट. तो कितने सेट हो गए टोटल? वन प्लस वन दैट इज टू सेट्स. टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ऑफ क्रोमोसोम. ओके, तो अगर सेट पूछा है तो टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछे तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स होंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. क्वेश्चन नंबर 3 आई हैव अपलोडेड नाउ. सो क्वेश्चन नंबर 4 एज सून आई विल अपलोड इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.